बॉलीवुड को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पूरी तरह से इंडियन सिनेमा बदल जाएगा और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री को। सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, ऋतिक रोशन, इनके अगर आप लोग 2022 की जितनी भी अपकमिंग मूवी ले लो, सिर्फ 2022 ही नहीं 2023 की भी कोई भी मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के लेवल की बन ही नहीं रही है, तो अब ऐसे में बॉलीवुड वाले कैसे सरवाइव करेंगे वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले मैंने कहा था कि भाई अगर केजीएफ चैप्टर 2 फ्लॉप हो जाएगी तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। 2.5 साल से मैं यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी 2.5 साल की मेहनत है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसे ही बोल दूंगा चैनल डिलीट कर दूं? भाई मैंने कुछ तो देखा होगा, भाई किसी ने ऐसी मूवी देखा होगा, ना ही कभी सोचा होगा, ना ही कभी किसी से सुना होगा। केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपका मजा बिल्कुल भी गिरगिरा नहीं करूंगा। मैं खुद चाहता हूँ कि आप में से एक एक इंसान इस पर्टिकुलर मूवी को देखे, विटनेस हो एक हमारे इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मूवी हो, यानी कि आने वाले 20 साल 25 साल के वजह से आज हम लोग शोले का एग्जाम्पल देते हैं, वैसे ही आप लोग 20 साल के बाद केजीएफ चैप्टर 2 का एग्जाम्पल दोगे कि भाई एक ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा में बनी जिसने पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। और यकीन मानो ये एक ऐसा सुनामी है अपने आप में कि जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स बने उन सबको बहा कर लेके जाएगा, चाहे वो बाहुबली क्यों ना हो। पर्टिकुलर मूवी ने मुझे इतना शॉक कर दिया कि यार मैं खुद सलमान और शाहरुख का इतना बड़ा फैन हूँ, अब मुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए कि वो लोग टाइगर 3 और पठान जैसी मूवी बना रहे। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा उस मूवी में मुझे बिल्कुल भी समझ में आ रहा। आफ्टर वॉचिंग केजीएफ चैप्टर 2 मुझे उनकी मूवीज का कोई भी मूवीज देखने का दिल नहीं कर रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इससे बढ़ के कौन बना सकता है। दिस इज ऑल टूगेदर एक अलग ही लेवल की मूवी है केजीएफ चैप्टर 2। स्टार्टिंग स्लो है मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद से जो ये एलिवेट होती है एंड तक, ट्विस्ट, मिस्ट्री, मतलब आपको जगह से हिलने नहीं देती है। फर्स्ट हाफ में जो एक ट्विस्ट है भाई, इतना कमाल का ट्विस्ट है कि किसी के बाप ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। साला मैं खुद इतनी सारी मूवीज देखता हूँ, मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, और वो देखा तो मैं पूरा गूसबम्स हो गया और मतलब ये क्या हो गया। ऐसे मूवमेंट्स थे जहाँ पे भाई सर से लेके पैर तक है ना भाई रोंगटे खड़े हो रहे थे। एंड उन्हीं में से एक मोमेंट्स की बात करूंगा तो वो जो टीजर में देखा था ना कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाके रॉकी पर वो मशीन गन पूरा उड़ा देता है, वो लिटरली सीन हाईलाइट है भाई। और वो किस सिचुएशन में होता है वो सिचुएशन आप लोग देख लोगे ना तो, और अगर आप लोग उस जगह पे अगर वो सारी चीजें रियल में होती है, अगर आप लोग वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद होते ना भाई, पैंट गीली हो जाती तुम्हारी। स्क्रीन पर देखा ना भाई भाड़ू सीन था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स है जो आपको ये मूवी में बहुत मजा देंगे। अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो भाई रॉकी भाई जिस तरह से डेवलप किया है, मजा आ गया। उसके अलावा अधीरा यानी संजय दत्त, क्योंकि यार हीरो जब तक हीरो नहीं खेला जाता जब तक उसके सामने एक दमदार विलन ना हो, और अधीरा एक कैरेक्टर को ऐसा लिखा है कि जब उसकी एंट्री होती है लिटरली वो एक कैरेक्टर है, यंग लड़का होता है जो अधीरा के सामने पहली बार फेस ऑफ होता है। वो लड़के की जगह आप लोग खुद को इमेजिन करोगे ना तो भाई वो लड़का तो शायद वहां पर टिक भी गया, आप लोग तो टिक भी नहीं पाते। वो इतना मतलब स्कैरी फील होता है कि मतलब दूर से एक खूंखार आदमी, मतलब उसकी चाल में ही आपकी फट जाए। शेर के साथ चल के आता तो लोग सहम जाते, वैसे जब अधीरा दूर से आग में से चल के आता ना तो वो चीज लिटरली आपको फील होगी इस पर्टिकुलर मूवी में। पुराने सारे कैरेक्टर्स, एक छोटा सा छोटा कैरेक्टर, वो बच्चे हो, वो अंधा बूढ़ा हो, वो जो एक वो एक मतलब वो मॉन्स्टर है, वो एक एक बंदा था जो एक ही सीन है उसका, वो तक वापस आया इस पर्टिकुलर मूवी में, और हर एक को देखकर बहुत अच्छा लगा। और सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। रीना जिसके कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, और वो बहुत रिलीफ लाती है इस पर्टिकुलर मूवी में। और मैं भूल गया रवीना टंडन जी के बारे में बोलने, तो यार उनका कैरेक्टर बहुत ही दमदार है। ऑल दो यहाँ पर उतनी स्क्रीन टाइमिंग उनको नहीं मिली है, इंटरवल के भी काफी बाद वो आती है, लेकिन भाई इतना कह सकता हूँ कि चैप्टर 3 में जो कि ऑब्वियसली आने वाला, उसमें रवीना टंडन के कैरेक्टर को अच्छा स्क्रीन टाइम मिलेगा, और हो सकता है कि चैप्टर 3 उनसे ही स्टार्ट हो। एक्शन सीन्स की बात करूं तो भाई वो जो कार चेसिंग वाला सीन है उसको थोड़ा और भी अच्छी तरह से पिक्चराइज किया जा सकता था। मतलब बीच बीच जो कट कट आ रहे थे ना यार, वो कट थोड़ा इरिटेट लग रहा था, लेकिन उसके अलावा जितने भी एक्शन सीन्स है बाप लेवल के एक्शन सीन्स है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, VFX बहुत अच्छे है, मतलब यार कोई एंगल से बोल ही नहीं सकते कि ये 100 करोड़ की मूवी है। एक तरफ बॉलीवुड वाले 300-300 करोड़ की मूवी बनाते हैं और पूरी तरह से हकते हैं, और ये 100 करोड़ में आपको इतना मजा देती है, इतना मजा देती है कि ये मूवी को आप लोग कह सकते हो कि हॉलीवुड लेवल की मूवी है। अगर एवेंजर एंड गेम
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखी गई मूवी होगी। मैं अवतार की बात नहीं कर रहा, मैं एवेंजर एंड गेम की बात कर रहा हूँ। तो लिटरली हमारे इंडिया की एवेंजर एंड गेम है केजीएफ चैप्टर 2। के अलावा मूवी का बीजीएम, मसरूर सर आप कौन हो भाई, किस लेवल की म्यूजिक बना, तो पूरी मतलब थिएटर हिल रहा है भाई, लोग चेयर पे ना मतलब खुद ही हिल रहे उनसे, मतलब पूरी पब्लिक हिल रही है। मतलब उनका बीजीएम में इतना ताकत है कि वो मुर्दे को भी जगा दे। और इस पर्टिकुलर मूवी में भी बीजीएम कमाल का है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो प्रशांत नील सर आफ्टर एसएस राजामौली सर, अगर हमारे इंडिया में कोई एक बहुत ही विजनरी डायरेक्टर है तो वो है प्रशांत नील। कमाल का डायरेक्शन किया भाई ने, मतलब मैंने सीक्वल से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी जो मुझे देखने को मिला। फाइनली अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई रॉकिंग स्टार यश। कुछ ऐसे एक्टर होते जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ही बॉर्न होते हैं। यश आज के बाद से रॉकी भाई के नाम से ही जाने जाएंगे। और अगर संजू बाबा की बात करूं तो भाई उनसे खतरनाक विलन कोई प्ले ही नहीं कर सकता। एंड आफ्टर कांचा चीना उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवी में भी बहुत ही दमदार विलन प्ले किया। हालांकि उनके कैरेक्टर को और भी खूंखार बताया जा सकता था, लेकिन चलता है साउथ की मूवी तो हम लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा रविना टंडन ने भी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से दिया। अच्युत कुमार ने शॉकिंग परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है सबका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी में अगर डायलॉग्स की बात करूं तो जैसे कि आप लोगों ने पार्ट वन में मेमोरेबल डायलॉग सुने थे जिनको आप लोग आज भी रिपीट करते हो, सेम वही चीज आपको चैप्टर टू में भी रिपीट देखने को मिलेगी। और सिर्फ रॉकिंग स्टार यश नहीं बल्कि संजय दत्त का कैरेक्टर अदीरा भी बहुत अच्छे दमदार डायलॉग्स दिया है। कुल मिला के जितने भी डायलॉग्स लिखे इस बार भी उसने दिल जीत लिया। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं रेटिंग आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद रेटिंग दे देना। पेरेंटल गाइडेंस इतना बोल सकता हूँ, मूवी में वॉयलेंस है मगर अश्लील सीन्स कोई भी नहीं है। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिल देना। अगर कुछ मिस हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई ये दिल से रिव्यू किया हुआ दिल तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मूवी देखा तो जल्दी बताना। बस बाय जाओ।